सभी को प्यार भरा नमस्कार। इम्पीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। इस लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर एक दो मिनट कुछ बातचीत करते हैं अपने काम की, फिर चालू करेंगे। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। सवाल नंबर पहला है हमारा, किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था? द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमिनल नोमिना कल्चर। ऑप्शन ए जॉन मेंडल, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी बैटसन और ऑप्शन डी पीटरसन। बताना है आपको, फिर इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात भी बताऊँगा मैं आपको। किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था? जॉन मेंडल, कैरोलस लीनियस, बैटसन और पीटरसन। जिसने बी जवाब दिया है कैरोलस लीनियस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैरोलस लीनियस क्या थे? एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने द्विनाम पद्धति या बायोनोमियल नोमेना कल्चर टेक्निक दी थी, जिसमें हम क्या करते हैं, वंश और जाति को मिलाकर नाम बनाते हैं। अब देखो इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, इधर आइए। देखो ये मटर का वानस्पतिक नाम है। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम बोलते हैं मटर को। तो ये पाइसम क्या है और सेटाइवम क्या है? देखो पाइसम तो होता है उसका वंश, और जो उसकी सेटाइवम होती है उसकी जाति। पाइसम होता है उसका वंश, और सेटाइवम क्या होती है? जाति होती है। और वंश प्लस जाति मिलकर क्या बनाते हैं? वंश प्लस जाति मिलकर वैज्ञानिक नाम बनाते हैं। वैज्ञानिक नामों को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो वनस्पति होती है उसका नाम वानस्पतिक नाम होता है, और जो जंतु होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, जो द्विनाम पद्धति दी थी, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। और कैरोलस लीनियस से जुड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी। अब इधर आ जाइए, देखो किस कोई भी आप वैज्ञानिक नाम देखोगे तो उस वैज्ञानिक नाम के पीछे आपको L लिखा हुआ मिलेगा, या ले, हिंदी में तो लिखा हुआ होगा ले और फिर डॉट, और इंग्लिश में देखोगे तो L लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा L लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा तिरछा लिखा हुआ होगा। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम, यानी कि वानस्पतिक नाम और जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं, वो सब तिरछे लिखे जाते हैं। मैंने हालांकि यहाँ पर सीधा लिख दिया है, क्योंकि स्लाइड में तिरछा हो नहीं रहा था, ये तो मैंने सीधा लिख दिया, इसको समझ जाना आप। तो कहीं भी आप अगर लिखोगे तो वो नाम तिरछा लिखा हुआ होगा, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम। फिर उस नाम के पीछे लिखा हुआ होगा L। क्या लिखा हुआ होगा? L। L का मतलब क्या होगा? L का मतलब होगा कि ये जो नाम बनाया गया है, ये वंश और जाति को मिलाकर बनाया गया है, और इस नाम को कैरोलस लीनियस पद्धति के आधार पर बनाया गया है। कैरोलस लीनियस पद्धति के आधार पर बनाया गया है। और कैरोलस लीनियस पद्धति किस किस से मिलकर बनी होती है? वंश प्लस जाति से। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक और वानस्पतिक नाम होते हैं वो किन किन से मिलकर बने होते हैं? तो वंश प्लस जाति से मिलकर बने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल आपके बिल्कुल जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर करूँगा मैं, ताकि आपको आगे कभी समस्या नहीं हो। अब आगे जाओगे आप बड़ी क्लासों में, जब कोई सी छोटी चीज़ पढ़ोगे कि हाँ यार ये L, ये मुझे आता है, इसका मतलब ये होता है, मैंने एक बार पढ़ा था ऑनलाइन, सर ने मुझे बताया था, बस मैं वही चीज़ चाहता हूँ। अगला सवाल है हमारा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जॉन मेंडल, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी थियोफ्रास्टस और ऑप्शन डी जॉन वीक। बताइए। देखो कल बात कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें हिंदी में समझ में नहीं आता। देखो वंश और जाति का मतलब है यहाँ पर, वंश का मतलब है जीनस और जाति का मतलब है स्पीशीज। वापस से देख लीजिए, वंश का मतलब है जीनस और जाति का मतलब है स्पीशीज। तो जीनस और स्पीशीज दोनों को मिलकर क्या बना है? बायोनोमियल नोमेना कल्चर बना है। और इसको जो किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट ने। अगला सवाल है हमारा, देखो कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आते हैं हमारे, तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, कष्ट के लिए आप सभी को खेद है। वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा था मैंने, जिसने जवाब दिया है सी थियोफ्रास्टस, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? थियोफेस्टस को बोला जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जेट में और आईसीआर में बार बार पूछा जाता है, और जो जो स्टूडेंट बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो सवाल है सारे गोल्डन क्वेश्चन हैं। और बीएचयू का एक पेपर सोल्व करके मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखा है, उस पर उसको जाके देखिए और उसमें क्या कमी है वो बताइए मुझे। और साथ ही मुझे अब एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, इस ये जो लाइव क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद में आपको एक काम करना है, सभी के लिए बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाना और कमी बतानी है आपको कि अभी कहाँ पर कमी है। सर मुझे पता है कि कमी है, सब में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कमियाँ बताना मुझे ताकि मैं और अच्छा सुधार कर सकूँ और आपको और अच्छे तरीके से कॉन्टेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही लाइव क्लास ख़त्म हो एक बार मुझे ज़रूर बताना कि आगे और कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक हो गया थियोफेस्टस। अगला सवाल है हमारा, जीवाणुभोजी या इंग्लिश में बोलते हैं उसको बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज, कभी कभी हिंदी में ऐसे बैक्टीरियोफेज लिखा हुआ आ जाता है, तो जीवाणुभोजी भी याद रखना और बैक्टीरियोफेज भी याद रखना। जीवाणुभोजी और बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी बताना है आपको। ऑप्शन ए फिशर, ऑप्शन बी पास्टर, ऑप्शन सी ई टी वार्थ और ऑप्शन डी डॉल्टन। जल्दी से जवाब बताइए। जीवाणुभोजी की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, जीवाणुभोजी की संरचना इस प्रकार की होती है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज, और इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी अभी और बताऊंगा मैं आपको। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ई ई टी वार्थ सी वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जीवाणुभोजी की खोज किसने की थी? ई टी वार्थ ने की थी। ई टी वार्थ ने जीवाणुभोजी की खोज की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणुभोजी कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो हम सब जानते हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है, आप सब लोग जानते हो गंगा एक पवित्र नदी है, और गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, ये भी आप सभी जानते हो, ये हमारी धार्मिक मान्यता है और धर्म को धर्म की जगह ही रहने देते हैं, ठीक है, सब हम उसका सम्मान करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ साइंटिफिकली मैं कहूँगा कि जो गंगा जल होता है ना उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो होता है ना ये जीवाणु और विषाणु के बीच की चीज़ होती है, जीवाणु और विषाणु के बीच की चीज़ होती है। और बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं किसमें? पाए जाते हैं गंगा जल में पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो जैसे ही पानी में कोई भी जीवाणु उत्पन्न होता है उस जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, या खा जाता है, या नष्ट कर देता है, या मार देता है, या उसका भोजन के रूप में उसको खा लेता है। तो इसीलिए जो गंगा जल होता है हमारा वो लंबे समय तक खराब नहीं होता या सड़ता नहीं है, इसका मेन जो कारण है वो ये है। हालांकि धार्मिक मान्यता है वो एक अलग चीज़ है, उसको हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो साइंस है उसके साइंस जो कहती है वो ये कहती है कि जो हमारा गंगा जल है उसके अंदर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज क्या करता है? उसके अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं जैसे ही उसमें कोई जीवाणु उत्पन्न होता है तो वो क्या कर देता है? बैक्टीरियोफेज उसको खा लेता है और जो जल होता है उसको सड़ने नहीं देता है। तो ये कुछ बात थी। और ये इस प्रकार का होता है बैक्टीरियोफेज, इसकी संरचना ऐसी होती है। और इसका जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है। तो आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगला सवाल है मेरा, आरएनए अनुपस्थित होता है जीवाणु में, कवक में, जंतु में या पौधों में, बताना है आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखो ये आरएनए की संरचना इस प्रकार की होती है, ये तो होता है डीएनए, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए में अंतर। तो हम पढ़ते थे तब उस समय हम क्या पढ़ते थे? डीएनए द्विकुंडलित होता है, आरएनए एकल सर्पिलाकार होता है, पढ़ा होगा आपने डीएनए द्विकुंडलित, देखो द्विकुंडलित संरचना है और आरएनए क्या है? एकल सर्पिलाकार संरचना है। डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दोनों में ये न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। तो आरएनए की अनुपस्थिति कहाँ होती है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जीवाणु। कहाँ पर? बैक्टीरिया। जो आरएनए अनुपस्थित होता है वो कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु में होता है। जीवाणु या बैक्टीरिया में क्या होता है? आरएनए अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। और आप जानते ही हो आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब मैं बताता हूँ आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में आ जाए कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए और आरआरएनए। कौन कौन से होते हैं? चार प्रकार के होते हैं,
आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? देखो ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं हमारे एग्जाम में, ऑप्शन कितने प्रकार के आएंगे? चार प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो आरएनए भी हम कितने प्रकार के करेंगे? चार प्रकार के ही करेंगे। देखो ट्रिक से याद कर लो, जल्दी याद होगा। तो आरएनए चार प्रकार के होंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और एसआरएनए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, वह पौधे जिनमें पुष्प और बीज बनते हैं, वह पौधे जिनमें पुष्प और बीज बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्योंकि सभी पौधों में पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। तो अब ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, फेनरोस्पर्म, ब्रायोफाइटा और क्रिप्टोगेमस। चार ऑप्शन हैं और ये जो चारों ही प्रकार दिए हुए हैं ये वनस्पति के प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं? वनस्पति के प्रकार हैं, वनस्पति के वर्ग हैं या वनस्पति की फैमिली कह सकते हो, आपको आप कह सकते हो इनको, ये अलग अलग प्रकार हैं चारों ही। तो जो पौधे जिनमें पुष्प और बीज बनते हैं वो किस वर्ग में आते हैं ये बताना है आपको। जिसने ए जवाब दिया है जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पौधे पुष्प और जिन पौधों में पुष्प और बीज बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। सभी का जवाब देना, देखो जो बच्चे एग्जाम जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब देना अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और मैंने एक बार अगर चालू कर दिया तो फिर सबकी लाइन लग जाती है, सर पुष्प क्या होता है, बीज क्या होता है, सारे पूछने लग जाएंगे। इसलिए मैं सारे सवाल आपके कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर दूंगा, इसके बाद में जो भी ज़रूरी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। अगला सवाल है मेरा, वायरस है, बताना है वायरस क्या है? अविकल्पी परजीवी, जिसको अभी बता दूंगा सारा ही कुछ, विकल्पी परजीवी, परपोषी और निर्जीव। सभी सब कुछ बता दूंगा अभी, इनका मतलब भी बताऊंगा मैं। नहीं आता कोई बात नहीं, गलत आंसर दे दिया कोई बात नहीं। अविकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, परपोषी और निर्जीव। जिसने ए जवाब दिया है अविकल्पी परजीवी, बिल्कुल सही जवाब है। अविकल्पी परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं अविकल्पी परजीवी को। और अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि वायरस उस परजीवी के बिना, परजीवी जो, परजीवी का मतलब है, पर का मतलब दूसरा, जीव का मतलब, जीव का मतलब जीवित जीव, दूसरे जीव पर जीवित रहने वाला जीव कौन सा है? वायरस है। अब देखो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं आप, एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ आपको, बिल्कुल दो लाइन की है। वायरस एक ऐसा लड़का है जो कभी स्कूल में अपना टिफ़िन लेके नहीं आता, कभी स्कूल में अपना टिफ़िन लेके नहीं आता, हमेशा दूसरों का टिफ़िन खाता है। वायरस एक ऐसा लड़का है जो कभी अपना टिफ़िन लेके स्कूल में नहीं आता, हमेशा दूसरों का टिफ़िन खाता है। आई बात समझ में? अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि वायरस हमेशा कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये हमेशा दूसरे बच्चों के, सॉरी दूसरे जीवों के, जीव पर आधारित रहता है या भोजन पर आधारित रहता है। समझ में आ गया होगा आपको, वायरस क्या होता है? अविकल्पी परजीवी। अगला सवाल है हमारा, जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है बताना है आपको? वसा व ग्लाइकोजन, प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। चार ऑप्शन है आपके पास में, वसा व ग्लाइकोजन, प्रोटीन, खनिज लवण व कार्बोहाइड्रेट। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, वसा व ग्लाइकोजन, वसा व ग्लाइकोजन। जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित भोजन होता है वसा व ग्लाइकोजन के रूप में। अगला सवाल है हमारा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? देखो ये जो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, अभी जो RSIS की तैयारी करते हैं जो लोग, वो बार बार ये ऑब्जेक्टिव वाले सवाल क्यों सॉल्व करते हैं बार बार? क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले सवाल सॉल्व करने से क्या होता है, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है, आपके जो आपका जो आत्मविश्वास है जो वो बढ़ता है कि हाँ मैंने इतने हज़ार क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, इसका मतलब अब मेरा जो बेस है वो क्लियर हो गया है। तो हाँ मानता हूँ कि थ्योरी पढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? प्रैक्टिस विल परफेक्ट मैन, मतलब एक जो अभ्यास होता है वो आदमी को क्या बनाता है? निपुण बनाता है। तो प्रैक्टिस ये चल रही है आपकी, और इससे आपको लग रहा है कि
हाँ मुझे कुछ आता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन आता है और उसका जवाब आपको आता है तो आपको क्या लगता है, हाँ यार ये मुझे क्वेश्चन आता है, ये मैंने पढ़ा था। फिर आप अगला क्वेश्चन देते हैं, हाँ यार ये मैंने पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, इसीलिए टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होती है। तो टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा आइए आप, और जो स्टूडेंट कंटिन्यू आ रहे हैं उनको बिल्कुल दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, तो ऐसे ही आप आपका सहयोग बनाए रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, और सीधी सी बात है शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि सब्सक्राइबर्स हमारे बड़े, फैमिली हमारी बड़ी हो जाए। हमारा सवाल है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा, प्रोटीन प्लस लिपिड, खनिज लवण और सेल्यूलोज। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पूछा है यहाँ पर। ये देखो कोशिका है, कोशिका के जो चारों तरफ का कवरिंग होगा, जब हम बात करेंगे एनिमल सेल, जंतु कोशिका, यानी कि हमारे मनुष्य के शरीर की कोशिका, किसी पेड़ पौधों के छोड़कर जो सारी कोशिकाएं हो गई वो कौन सी कोशिका कहलाएगी, एनिमल सेल कहलाएगी। तो उन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें पाई जाती है कोशिका झिल्ली। अब आपको बताना कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। जिसने जवाब दे दिया प्रोटीन प्लस लिपिड, बिल्कुल सही जवाब है आपका, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। तो ये कोशिका है, कोशिका के ये जो बाहर का कवर देख रहे हो आप, ये आउटर मटेरियल, ये किसका बना होगा, ये बना होगा प्रोटीन प्लस लिपिड का। और इसमें तीन लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, तीन लेयर होती है, तीन लेयर होती है, जिसमें इसमें जुड़ा होता है, सबसे पहले जुड़ा होता है इसमें प्रोटीन, फिर इसमें वापस नहीं, सबसे पहले इसमें जुड़ा होता है लिपिड, फिर इसके बाद में इसमें जुड़ा होता है प्रोटीन, फिर इसके बाद में वापस से इसमें जुड़ा होता है लिपिड। तो तीन लेयर होती हैं, और तीनों लेयर किसका निर्माण करती हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करती हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, ये ध्यान रखना, सेमी परमिएबल। क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं और कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, कुछ जा सकते हैं अंदर, कुछ अंदर से बाहर आ सकते हैं। किसकी बनी होती है, प्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। अगला सवाल है हमारा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जवाब दीजिए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वसा, प्रोटीन प्लस लिपिड, खनिज लवण और सेल्यूलोज। जवाब दीजिए किसकी बनी होती है। जिसने जवाब दिया है सेल्यूलोज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पादप कोशिका, पादप कोशिका भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका का जो बाहर वाला जो भाग होता है या मटेरियल होता है जिससे कोशिका ढकी हुई होती है, वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका को आकार प्रदान करती है और कोशिका को मजबूती प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब कोशिका भित्ति कैसी होती है, कोशिका भित्ति होती है अपारगम्य, मतलब ना तो कोशिका से बाहर कोई चीज़ जा सकती है और ना ही कोशिका के अंदर कोई चीज़ आ सकती है, तो ये अपारगम्य होती है। और ये इसका ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये कोशिका भित्ति है, इसके बाहर ना कोई जा सकता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा सा सेल वॉल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो थोड़ा सा छोटा है ये ग्राफ, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने में समझ गए होंगे आप, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अगर सेल्यूलोज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता और यहाँ पर लिखा होता सिर्फ एन लिखा हुआ होता, तो भी आपका जवाब क्या होता, एन ही होता, क्योंकि सेल्यूलोज को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, सेल्यूलोज को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये शर्करा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है। किसका, शर्करा का कार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखना, सेल्यूलोज में शर्करा पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ है। अब आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया को अभी तक आपने नहीं छोड़ा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक से जितने क्वेश्चन नहीं बनते उससे ज़्यादा क्वेश्चन इस माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है ये। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन जो बार बार घुमा के पूछ रहा हूँ, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लगभग क्लियर हो गया होगा और आगे भी हो जाएगा। तो इसका अब ये सवाल है, इससे रिलेटेड कुछ और अभी नए रिसर्च में जो जानकारी निकल के आई है वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो हमारा सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ है, मैट्रिक्स, ग्रेना, क्रिस्टी या डीएनए तत्व। अब बताना है आपको, चार ऑप्शन है आपके पास में,
बताना है मैट्रिक्स, ग्रेना क्रिस्टी या डीएनए तत्व। जिसने मैट्रिक्स जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जेली समान तत्व पाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है मैट्रिक्स। देखो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर देखो ये जेली समान जो तत्व भरा हुआ है, ये देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो इससे जुड़ी एक बात जानकारी बताता हूँ, दो तीन कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। सबसे पहला तो ये, कोशिका में एटीपी कहाँ बनता है, कोशिका में एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ये, कोशिका में श्वसन कौन करता है, कोशिका में श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अब दूसरी बात ये है कि जो अब नया रिसर्च हुआ है, उस नए रिसर्च में हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक महारत हासिल कर ली है। पहले वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे इतिहास की कुंजी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारे इतिहास की कुंजी। इतिहास कौन सा, हमारा जो इतिहास, जिस जीव के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा उस जीव में, उस जीव का जो इतिहास छुपा होगा वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में छुपा होगा। कैसे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कई हज़ारों साल पुराना होता है, कई हज़ारों साल पुराना होता है। उसमें गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो कई हज़ारों साल पुराने होते हैं, और उन गुणसूत्र पर अगर हम रिसर्च करें तो हमें ये पता लग सकता है कि जो हमारी उत्पत्ति हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वो कौन से जीव से हुई है, हमारा विकास कैसे हुआ है, हमारा इतिहास क्या था, वो सब कुछ किससे पता चल सकता है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से पता चल सकता है। हाँ, हम पहले आदिमानव थे, हमारा विकास बंदर से हुआ था, सारी बात ठीक है आपकी, लेकिन एक्चुअलिटी में जो सच्चाई है वो हमारी पूरी सच्चाई किस में छुपी हुई है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। क्या पता पुराने ज़माने में आप शक्तिमान हो, क्या पता आप ही गोल गोल घूम के उठते थे, बच्चों को बचाते थे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर आप हमारा इतिहास खंगालना है हमें, तो किसको खंगालेंगे, हम खंगालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि उसमें सबसे पुराने गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक एटीपी अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सवाल आता है, ये इजी सवाल नहीं है, बार बार बताता हूँ मैं, इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आज कितने दिन हो गए कंटिन्यू आपको क्लास लेते हुए, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। इसीलिए जब आपको कोई सवाल आप पढ़ते हो और आप कहते हो ना कि यार सर ये सवाल इजी है, ये तो हमें आता है, हमें आता नहीं, ये सवाल आपने पढ़ा है, आपने उस सवाल को टाइम दिया, पढ़ा, इसीलिए आपको याद हो गया। अब याद हो गया तो आपको वो इजी लग रहा है, अगर आपको अभी याद नहीं होता तो आप क्या कहते कि यार इजी नहीं, ये तो टफ है। तो सवाल आता है तब आपको खुश होना चाहिए कि यार ये मुझे आता है। ठीक है, ऐसी बातें होती हैं कुछ। एक एटीपी अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा मिलती है, जवाब किसने दिया है, जिसने जवाब दिया है 7.3 किलो कैलोरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका सी वाला ऑप्शन, 7.3 किलो कैलोरी बिल्कुल सही जवाब है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। ये कहाँ पर बनते हैं, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। कब बनते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन करता है तो उस दौरान एटीपी अणु बनते हैं, और एटीपी अणु क्या होते हैं, हमारी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक अणु कितनी करेगा, एक अणु 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करेगा। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो आज कुछ स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो प्रॉब्लम सी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड्स आज थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं समझा दूंगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आगे पीछे हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से मैं क्वेश्चंस को सेट करता हूं आज वो उस हिसाब से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, एंजाइम शब्द किसने दिया, फेमस सवाल है, बार बार पूछा जाता है, एंजाइम शब्द किसने दिया, पार्कर ने दिया, कुहने ने दिया, टेंसले ने दिया या हिचकॉक ने दिया। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब, एंजाइम शब्द किसने दिया, पार्कर, कुहने, टेंसले या हिचकॉक। एंजाइम शब्द किसने दिया, पार्कर ने दिया, कुहने ने दिया, टेंसले ने दिया या हिचकॉक ने दिया।
जिसने ऑप्शन बी दिया है कोह ने, बिल्कुल सही जवाब है। जो एंजाइम शब्द दिया है वो किसने दिया है, एंजाइम शब्द दिया है कोहने ने, कोहने नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एंजाइम शब्द को दिया था। अगला सवाल है हमारा, कोशिका वे अणु जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जेट में पूछा गया सवाल है ये, जेट में पूछा गया सवाल है ये, कोशिका वे अणु जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कोशिका वे अणु जीव विज्ञान केंद्र बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, हैदराबाद में, ग्वालियर में या इंदौर में। जयपुर में, हैदराबाद में, ग्वालियर में या इंदौर में, ए बी सी और डी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है बी हैदराबाद, हैदराबाद जिसने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा, हैदराबाद। स्लाइड सही करिए सर। तो कोशिका व अणुजीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, कोशिका व अणुजीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में, जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल है हमारा, न्यूमोनिया का प्रभाव होता है, न्यूमोनिया का प्रभाव बताना है आपको किस पर होता है, आंखों पर होता है, फेफड़ों पर होता है या लीवर पर होता है। न्यूमोनिया का प्रभाव ए बी सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, फेफड़ों पर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो न्यूमोनिया का प्रभाव होता है वो किस पर होता है, वो होता है फेफड़ों पर। बीच में कुछ काम करने लग गया था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब सिस्टम से चलेगी क्लास। हाँ, तो न्यूमोनिया का प्रभाव बताया मैंने कौन सा होगा, फेफड़ों पर होता है न्यूमोनिया का प्रभाव। अब देखो, जो कोरोना है, कोरोना का प्रभाव अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोना का प्रभाव किस पर होता है, तो कोरोना का प्रभाव भी किस पर होता है, फेफड़ों पर होता है। जब कोरोना का प्रकोप होता है मनुष्य में, तो क्या होता है, उस कंडीशन में जो हमारा कफ होता है, उस टाइप का एक जो पदार्थ होता है वो हमारे फेफड़ों में भर जाता है पूरी तरीके से, हमारे गले से होते हुए हमारे फेफड़े में भर जाता है, और भरने के बाद में जो मनुष्य होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और धीरे 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 जो उसका सांस लेने का जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और इसी कारण क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले जब कोरोना बीमारी आई थी, तो कोरोना बीमारी को ऐसे समझा जा रहा था कि ये कोरोना बीमारी नहीं है, ये न्यूमोनिया का ही एडवांस रूप है। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इसको रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ये सबसे अलग बीमारी है और आज एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो कोरोना बीमारी चल रही है, घर में ही रहना, सुरक्षित रहना, फिर से कहता हूँ आपको। तो निमोनिया समझ में आ गया होगा कहाँ पर होता है, फेफड़ों पर होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे, अगला सवाल है हमारा, पादप कार्यकी का जनक है, पादप कार्यकी का जनक किसे कहा गया है, बताना है आपको पादप कार्यकी का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए थियोफेस्टस, ऑप्शन बी स्टीफन हेल्स, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी डार्विन। पादप कार्यकी का जनक थियोफेस्टस, स्टीफन हेल्स, लेमार्क या डार्विन, ऑप्शन ए बी सी या डी। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा इसका। जिसने जवाब दिया है, प्रॉब्लम कर दी स्लाइड पर, जिसने जवाब दिया है थियोफेस्टस, बिल्कुल गलत जवाब है। जिसने दिया है स्टीफन हेल्स, बिल्कुल सही जवाब है। जो पादप कार्यकी का जनक है वो कौन है, पादप कार्यकी का जनक बोला जाता है स्टीफन हेल्स को। किसको बोला जाता है, स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, नॉन प्रोटीन एंजाइम है, नॉन प्रोटीन एंजाइम है। देखो, सबसे पहले तो जो एंजाइम होते हैं वो लगभग सारे एंजाइम कौन से होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। सारे एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉन प्रोटीन एंजाइम कौन सा है, नॉन प्रोटीन एंजाइम पूछा है, तो जाइमेज, यूरिएज, राइबोसाइम या कोई नहीं। चार ऑप्शन हैं, जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कौन सा होगा। जिसने जवाब दिया है सी वाला, राइबोसाइम, बिल्कुल सही जवाब है। जो नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है राइबोसाइम। राइबोसाइम नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है। अगला सवाल है हमारा, प्रथम क्लोन भेड़ का नाम था, प्रथम क्लोन भेड़ का नाम बताना है आपको, प्रथम क्लोन भेड़ का नाम,
पोली भेड़, डोली भेड़, माही या राधा। पोली, डोली, माही या राधा, ए बी सी डी। कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका जवाब, कमेंट करिए और बताइए। जिसने बी जवाब दिया है डोली भेड़, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो प्रथम क्लोन वाली भेड़ थी वो कौन थी, डोली भेड़ थी। कौन सी भेड़ थी, डोली भेड़ थी, उसको नाम दिया था डोली। अगला सवाल है हमारा, देखो ये वापस से, ये स्लाइड मैंने कहा था आज स्लाइड आगे पीछे हो गई है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि देखो मूंगफली में तेल कितना होता है, 45%, 45% तेल होता है और 26% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और सोयाबीन में जो तेल होता है वो होता है 20% और प्रोटीन कितना होता है, 42%। तो अब ध्यान से समझ लीजिए इसको। उस समय जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा था तो प्रॉब्लम ऐसे हो गई थी, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था तेल और प्रोटीन की मात्रा, और नीचे मैंने लिख दिया था पहले प्रोटीन की मात्रा फिर तेल की मात्रा लिख दी थी, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो गया था। ये का ये कन्फ्यूज़न मूंगफली में हुआ, सेम ये का ये कन्फ्यूज़न किस में हुआ, सोयाबीन में हुआ। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। हाँ मानता हूँ मिस्टेक की है मैंने, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैंने सुधार कर लिया उसमें। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, वरना मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगला सवाल है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी बनते हैं, 10, 8, 2 या 0। बताना है आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी बनते हैं, फिर मैं बताऊंगा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। बताइए, जिसने ऑप्शन दिया है दो वाला, मतलब ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। देखो आदमी में, मनुष्य में या पादप में क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। और कोशिका के अंदर दो प्रकार की क्रियाएँ चलती हैं, एक होती है कार्बनिक और एक होती है अकार्बनिक। ठीक है, अब इन क्रियाओं को एक बार भूल जाइए आप, आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका में एक क्रिया चलती है जिसको बोलते हैं हम श्वसन क्रिया। ठीक है, और श्वसन क्रिया के अंदर फिर से क्रिया चलती है, जो पहली क्रिया होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी जो होती है वो होती है क्रेब्स चक्र। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, एटीपी अणुओं का निर्माण होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस को सीधी सी भाषा में वापस से ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के दौरान होने वाली वह प्रक्रिया है, कोशिका में होती है ये, ध्यान रखना कोशिका में होती है, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में होती है ये। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। तो फिर से सुनिए, जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है वो क्या होगी, श्वसन के दौरान होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। और ये एटीपी क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो क्या है, वह श्वसन की पहली क्रिया है या श्वसन की प्रथम क्रिया है, ये कोशिका द्रव में होती है। और कोशिका द्रव में होने के बाद ये क्या करती है, एटीपी अणुओं का निर्माण करती है जो मनुष्य या पादपों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में बनेंगे 2 एटीपी। कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। बताना है आपको, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस दौरान जो जल निकलता है, वो ऑक्सीजन किसका मुख्य स्रोत होती है, मतलब जो ऑक्सीजन अलग हो रही है वो किससे अलग हो रही है, बताना है आपको। जल, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जल से भी होता है और CO2 से भी होता है, या कोई नहीं, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा इसका। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है बी वाला आपका गलत है, और जिसने जवाब दिया है ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उसका स्रोत क्या होगा, जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उसका स्रोत होगा जल। क्या होगा, जल उसका मुख्य स्रोत होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होगा, जल। आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में श्वसन दर बतानी है आपको। एक वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में श्वसन दर बतानी है आपको।
दस से बारह, बारह से चौदह, सोलह से बीस, पच्चीस से तीस, ए बी सी डी। दीजिए जवाब क्या होगा इसका, क्या जवाब होगा? जिसने 16 से 20 जवाब दिया है, ऑप्शन सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में जो श्वसन दर होगी वो कितनी होगी? वो होगी 16 से 20। कितनी होगी? 16 से 20 होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वयस्क मनुष्य की, वयस्क मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है और सारे स्टूडेंट सोचते हैं कॉमन क्वेश्चन है यार, ये नहीं आएंगे, और वो कॉमन क्वेश्चन ही वहाँ पर आ जाते हैं। फिर स्टूडेंट करें सोचते हैं यार एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे अब क्या करें, तो पहले तो वो पेज गिनते हैं कि ये जो अपना हमारा पेपर है ये कितने पेज का है, फिर वो OMR के गोले गिनेंगे ये कितने हैं, फिर वो ऊपर देखेंगे कि देखेंगे यार इस एग्जामिनेशन हॉल में पंखे कितने लगे हुए हैं, तो ऐसी हरकतें होती हैं। फिर इसीलिए कहता हूँ कि बेसिक से तैयारी करो अपनी, बेस बिल्कुल नीचे से तैयारी करो, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। अब मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको क्या होती है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, बतानी है आपको ATP, NADP, ADP या NATP। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, क्या बता पाएंगे आप? ATP, NADP, ADP या NATP, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ATP, NADP, ADP या NATP। जिसने जवाब दिया है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या होती है? वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ATP। क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं। और ये कब बनते हैं? ये जब कोशिका में श्वसन की क्रिया चलती है तो उस दौरान ये बनते हैं, उस दौरान ये बनते हैं और ये क्या करते हैं? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? बताना है आपको अप्रकाशिक अभिक्रिया, स्ट्रोमा में, ग्रेना में, जीवद्रव में या राइबोसोम में। फिर मैं बताऊंगा आपको प्रकाश संश्लेषण का सही मतलब क्या होता है, सही मायने में इसकी परिभाषा क्या है वो बताऊंगा मैं फिर आपको। स्ट्रोमा, ग्रेना, जीवद्रव या राइबोसोम, बताइए जल्दी से। जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी? वो स्ट्रोमा में। कहाँ पर होगी? वो हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रोमा नामक सेगमेंट में होगी, या स्ट्रोमा नामक पार्ट में होगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा में होगी। जिसने ए जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक, पहले अप्रकाशिक था, अब प्रकाशिक पूछा है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा, ग्रेना, जीवद्रव या राइबोसोम, बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, जीवद्रव में या राइबोसोम में? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, ग्रेना, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेना या स्ट्रोमा क्या है तो वो भी मैं बता देता हूँ जिसको पता नहीं है। जो हरित लवक होता है, हरित लवक के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, एक होती है स्ट्रोमा, एक होती है ग्रेना। जो ग्रेना होती है वो मुख्य रूप से, ग्रेना के अंदर हरित वो कंपोनेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें सहायता करते हैं, योगदान देते हैं। और जब अप्रकाशिक होगी तो उसमें स्ट्रोमा सहायता प्रदान करेगा या अपना योगदान देगा, जो भी अपना काम है वो काम करेगा। अगला सवाल है हमारा, सबसे इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है, सही, हम तो वैसे तो हम बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या करता है? पौधा अपना भोजन बनाता है, वो तो सबको ही पता है कि भोजन बनाता है। लेकिन सही मायने में अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, चार लाइन लिख के आ जाए, फिर आपको पूछे कि इनमें से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण है, तो क्या जवाब दोगे? तो इसके लिए समझ लो आप क्या होता है। देखो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। कौन सी होती है? एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। और ये जो इस क्रिया, ये क्रिया होती है, इस क्रिया में प्रकाश और पर्ण हरित की अनिवार्यता होती है, प्रकाश और पर्ण हरित की अनिवार्यता होती है, और उन दोनों की उपस्थिति में ही ये क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है जो प्रकाश और पर्ण हरित दोनों की उपस्थिति में होगी। इन दोनों की अनुपस्थिति में, या इन दोनों में से कोई सा भी एक तत्व होगा अनुपस्थित होगा तो नहीं होगी। ठीक है, और
दोनों की उपस्थिति में होगी, और जब ये क्रिया संपूर्ण होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो निकलती है। बार बार जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या निकलती है, ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं। और ये ऑक्सीजन के अणु किससे निकलते हैं, ये जल से अलग होकर निकलते हैं। किससे अलग होकर निकलते हैं, जल से अलग होकर निकलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण एक तो प्रकाशिक होता है और एक अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो प्रकाशिक और एक अप्रकाशिक। तो अब उम्मीद कर सकता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे एक स्लाइड आएगी इसकी, फिर उसमें मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के हृदय में रुधिर का आयतन होता है। मनुष्य के हृदय में रुधिर का आयतन, या यूँ समझ लो कि यहाँ पर पूछा है कि जो रुधिर है वो उसकी मात्रा पूछ बता सकते हो आप, इसको मात्रा भी कह सकते हो एक तरीके से। तो आपको बतानी है कि मनुष्य, एक जो सामान्य मनुष्य होता है या स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके हृदय में रुधिर का आयतन कितना होता है, आयतन बताना है आपको। 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर या 10 लीटर, 2, 5, 7 या 10 लीटर। जिसने बी जवाब दिया है 5 लीटर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मनुष्य के हृदय में रुधिर का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 5 लीटर। मनुष्य के हृदय में रुधिर का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 5 लीटर आयतन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल से फिर शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।